तो 5 सीटों पर अभी बीजेपी अपने उम्मीदवार सामने ला पाई है, पांचों नए चेहरे हैं, लेकिन मुकाबले कई बार पुराने ही दिखाई पड़ रहे हैं। इधर भाजपा ने कांकेर लोकसभा सीट से मोहन मंडावी को अपना प्रत्याशी बनाया। आज रायपुर पहुंचकर पीएससी सदस्य के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। मोहन मंडावी ने यह कहा कि विकास के मुद्दे पर भाजपा की एक तरफा जीत होगी। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर जरूर बनाएंगे। मोहन मंडावी से बातचीत की हमारे सहयोगी ने। भाजपा ने 5 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं और उसी में जो है कांकेर से मोहन मंडावी को जो है टिकट दिया गया है और इस वक्त हमारे साथ मोहन मंडावी जी हैं, उनसे ही बात करते हैं। मोहन मंडावी जी, आपको टिकट मिली, क्या लगता है कि आप जीत दर्ज कर पाएंगे? विकास के मुद्दे पे एक तरफा जीतेंगे। रमन सिंह का इतना 15 साल का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है, आज तक इतना विकास किसी ने नहीं किया है और 5 साल में मोदी जी भी जो काम किए हैं उसका आज कोई जनता भूला नहीं है और हम क्षेत्र में भी मोदी के नाम से हमको वोट मिलेगा। विक्रम उसेंडी थे इससे पहले सांसद, उसके टिकट काटे, तो क्या एंटी इनकम्बेंसी है इसलिए उनके टिकट काट कर आपको दिया गया है और वो एंटी इनकम्बेंसी आप पर भारी ना पड़ जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग बहुत दिन तक के राजनीति किए हैं और बड़े स्वच्छ ईमानदार लोग हैं, जो पार्टी तय करती है उसको मानने वाले हैं और आज हमारे लिए तन मन धर के वो हमारे काम करेंगे। पीएससी के मेंबर के पद से भी जो है इस्तीफा देने जा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे मोहन जी? हमने त्याग पत्र दे दिया, पीएससी को गवर्नर को भेज दिया अपने आवेदन। हारमोनियम बहुत अच्छे से बजाते हैं, तो इस बार क्या कुछ हारमोनियम बज पाएगा वहाँ पे? बिल्कुल, मैं तो प्रदेश अध्यक्ष हूँ तुलसी मानस प्रतिष्ठान का और गांव-गांव में लोकगीत का विशेष रुचि लेता हूँ और गाता भी है। अभी एक गीत आप गाइए। नदी नरव लह लहावे चिरई चिरगुन चू चुहावे लेके राम नाम आबे रे मयारू मोरे राजा राम। बिन पानी मछली जैसे जीव मोर तरसत है, तोला देखे बिना मन मोर तरसत है। राम मंदिर तो बनेगा, आज नहीं तो कल बनेगा और मोदी जी के नेतृत्व में ही बनेगा, दूसरा कोई नहीं बना सकते। तो ये थे कांकेर के लोकसभा भाजपा के प्रत्याशी मोहन मंडावी जी, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि वो जो है रमन सिंह के कार्यकाल और मोदी के कार्यकाल को लेकर जनता के बीच जाएंगे। कैमरामैन अनूप के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।